पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है उस पार्टी का नाम पहले से थोड़ा बदला हुआ है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। अब तो हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी सारी बातें हमारी सच साबित हुई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई। आपको बता दें, लोकसभा को देखते हुए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो मुल्क की हों या बिहार की हों, उनमें गहमा गहमी जो है वो काफ़ी हद तक देखी जा रही है। आपको बता दें, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी थी, उसने आज अपना नाम बदल लिया और इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन ने उस नाम पर सहमति नहीं भरी थी और नया नाम जो है वो मेंशन किया है। इलेक्शन कमीशन ने नया नाम जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया है। इन तमाम मामलों पर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप पहले वो सुनिए। कहता है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है उस पार्टी का नाम पहले से थोड़ा बदला हुआ है। हम बाकी सब पत्र आपको दिए हैं, इसलिए दे दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शुरुआत से जो पत्राचार में तो कई पत्र आए गए, लेकिन जो आवश्यक था हमने आपको दिया है। अंतिम रूप से कल जो इलेक्शन कमीशन से ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ उसके हिसाब से इसको हटाइएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है और जो हमारे शुभचिंतक जिज्ञासा रखते थे, विलंब होने से थोड़ा परेशान होते थे, उन सभी के लिए खुशी की बात है। जब हमने पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल, बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि तीन शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा चार हो जाता है उसमें सब, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार देश भर, लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। इस बात की तैयारी में हमारी पार्टी निरंतर लगी हुई है, तो काम चल ही रहा है और उसके हिसाब से व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है।
लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है, उसके आधार पे जो जो बात हमने नीतीश जी से कही थी जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी, सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी, वहां ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी। हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से बात बोलते थे, उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था तरस आती थी। तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था, इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे, इसलिए संबंध था। लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। देखिए लालू जी तो एक बार आसमान से धाम से चले आए धरती पर जब नीतीश कुमार अलग हो गए, तो स्वाभाविक रूप से इस छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, अब कुछ भी बोल रहे हैं तो इस तरह की बात करेंगे। लालू जी तो धाम से गिर गए ना। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने नई पार्टी के नाम पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उनके पार्टी को नया नाम मिला है, उस पर सवालात के जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन को हमने, जब इलेक्शन कमीशन ने हमसे मांग की तो हमने उनको 3-4 नामों का सजेशन दिया, उसमें से इलेक्शन कमीशन ने एक नाम चुनने के लिए कहा जिसको हम लोगों ने चुन करके आज जाहिर किया। और आपको बता दें तमाम सवालों पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी को सिम्बॉल भी जल्द मिलेगा और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दरवाज़ा खुले होने की बातों पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कि लालू प्रसाद यादव की तो है होश जो है वो खराब हो गए। जब नीतीश कुमार पलटी मार करके एनडीए में आए, लालू प्रसाद यादव आसमान से जमीन पे गिर पड़े जब नीतीश कुमार ने पाला बदला। आपको बता दें कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है बिहार में, आपने देखा है, और हम लोगों ने भारत लाइव के जरिए से खबर भी की है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला अपनी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी का नाम चेंज हो गया है और सिम्बॉल भी आने वाले वक्त में उनको मिलेगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जाने पर और लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुले रखने पर क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आपने तमाम बातों को सुना। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।